यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आर्टिस्ट वरना, इतना कर्म कर लेना। तो हमारा प्यारशिप कभी कम मत करना, फ्रेंडशिप कई बार आ गए प्यारशिप। थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे कारण बदल दिया गया। अच्छा बड़े कुछ कहना चाहते हैं? पागल कर दिया। वाह, बच्चों में भगवान होता है। भगवान लगा। Talk about yourself. Diya, introduce yourself. I have done movies like Mom with Shrinidhi, Haseena Pagal with Shraddha Kapoor, and now my movie is going to release, but it nahi hota, as Radhika Madan's Childhood with Bhagyashree's son, and Khamoshia with Tamanna Bhatia. I'm playing Tamanna Bhatia's Childhood, and now I'm doing URI with Kaushal and Yamini Gautam, and my upcoming project is Bharat with Salman Khan and Tisha Patel. एक आइडिया लगा है कि इंटरनेशनल बैंड के साथ में इस फिल्म का प्रोमो लॉन्च किया जाए, ताकि फिल्म को बेनिफिट मिले, लोग उस म्यूजिक के बहाने इस फिल्म को भी देखें कि क्या है एक्चुअली। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा ईरानी म्यूजिक आपको? मैं तो म्यूजिक का फैन हूँ, कोई भी म्यूजिक हो, और खासकर उसमें मेलोडी हो तो मैं तो दीवाना हो जाता हूँ। यही वजह है कि इसमें जो टाइटल है पागल कर दिया तूने, मैं इसके म्यूज़िक को भी कहना चाहता हूँ कि भाई इतना बढ़िया म्यूज़िक है कि पागल कर दिया तूने, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक है। अभी आजकल के इंसान किससे पागल है आप थोड़ा बताएंगे? पागल कर दिया तूने, ये केवल इस फिल्म का टाइटल नहीं है, हमारे भारत के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सवाल है, और हिंदुस्तानी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का टाइटल है ये। सब पीएम साहब से यही कह रहे हैं कि पीएम साहब पागल कर दिया तूने। आपकी झलक होगी इस फिल्म में, आपकी भी झलक होगी? मेरी नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं महमूद साहब का और वसीम साहब का हम दोनों मित्र हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि भैया हम एक दूसरे की खुशी में शामिल हो सके, तो मैं शुभकामना देने आया हूँ। और अभी जल्दी हमारी फिल्म के भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वसीम साहब उसके लिए भी पेयरशिप करेंगे, और हमारे महमूद साहब रिलीज़ करेंगे पिक्चर विग बॉस। एक विग पहनने वाली कहानी है, कॉमेडी फिल्म है, और बहुत ज़बरदस्त धमाल कॉन्सेप्ट है, आज के ज़माने के लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेलोडियस है, म्यूज़िक भी है, और थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, 377 लागू हुआ। अब ये कहना चाहता हूँ कि ये समझ लीजिए कि अब 377 धारा जो हटाई गई है, इससे ये हो गया कि जो हमारे गे और लेस्बियन जो है उनके लिए आज़ादी मिल गई है, तो मैं सही है गलत मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये हो गया कि अब वो जो नारा था हम दो हमारे दो, उसका क्या होगा? अब तो होगा हम दो और हमारे रहने ही दो। मतलब एक ही लड़का जो है लड़की को ट्राई करेगा, नहीं मिली तो फिर बोलेगा कि मेट माई न्यू बॉयफ्रेंड सिकंदर। मतलब मैं कहूँगा भाई सिकंदर इसका नाम बदल दे, ये सिकंदर नहीं, ये बंदर सिकंदर नहीं। क्यों इसका नाम सिकंदर क्यों नहीं हो सकता? अरे सिकंदर का मतलब होता है पगले अलेक्जेंडर। हाँ तो ये भी तो अलग जेंडर हैं ना, आदमी ना औरत, अलग जेंडर। तो धारा 377 जो हटाई गई है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। घर पहले लड़का लड़का साथ में घूमने जाते थे, मकान में किराए पर रहते थे, अब मकान मालिक बोलेंगे कि तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते, मर्द मर्द साथ में नहीं रह सकते। बोले आपको क्यों शक है, मैं भी वही हूँ। ये सारी हो सकती है। किरण कुमार कब किरण खैर निकल जाए बोल नहीं सकते, अन्नू कपूर कब अन्नू अग्रवाल बन जाए बोल नहीं सकते। सो मेरी फिल्म आ रही है बिग बॉस, इसकी तैयारी में कर रहा हूँ, तो मेरी फिल्म आ रही है बिग बॉस, आशीर्वाद दो बिग बॉस, लव यू। जैसा आप देख रहे हैं ये पूरा
पूरा ऑनसेंबल कास्ट है, हम सभी लोग एक एक अलग किरदार निभा रहे हैं. बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, डायलॉग्स एकदम बहुत अच्छे हैं. बहुत दिनों बाद ऐसे डायलॉग कहने का मौका मिला है. एंड इट्स अ इंटरेस्टिंग फिल्म. जैसे आप देख रहे हो, हम जुबैर के साथ पहली पिक्चर कर रही हूँ. सो इवन सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट. देखिए, खास तो जो जो स्क्रिप्ट आती है, जो खास लगती है, जिसमें हमें कास्ट करने का मौका मिलता है, तब करते हैं. एंड आई थिंक दिस इज एनसेंबल कास्ट. सिर्फ मेरी कहानी नहीं, सबकी अपनी अपनी कहानी है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस. बहुत दिनों बाद मुंबई में पूरी शूटिंग की है. सो विच इज़ बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक वी ऑल हैड फन. एंड ऐसी कोई खास यादें नहीं बोल सकते, बिकॉज वी ऑल हैड फन ऑल द टाइम. या हमने बहुत फटाफट शूट किया, इतना मैं कह सकती हूँ. वेरी फास्ट शूटिंग, लाइक टुडेज पिक्चर है. पहले हम 7-7 दिन शूट करते थे. वी शॉट इन वेरी क्विक, लाइक इट वॉज अ फास्ट. न्यू कमर, हम भी कभी न्यू कमर रह चुके हैं, तो आई अंडरस्टैंड. बट यस, जुबैर इज नॉट ऑल्सो वेरी गुड एक्टर. हिज डन टीवी. उनको तो डायलॉग में कुछ प्रॉब्लम आते ही नहीं है. सो आई थिंक वी हैड फन. एंड यू शुड आस्क द न्यू कमर्स हाउ दे, इफ वी वर गुड इन हाउ दे हैव फेल्ट एक्चुअली वर्किंग विद मुग्धा. हां या यस जी. सेड आल्सो अबाउट दिस थिंग दैट The lady who is just standing beside me is very cooperative, and मुझे लगा ही नहीं कि कभी मैंने इनकी फिल्में स्टार्टिंग में देखी थी. और no, I'm young only, you are young only, so that not that thing, but on set very cooperative and very supporting. मुझे इतने कम लोगों के साथ मौका मिलता है जहाँ मुझे एक्शन रिएक्शन मिलता है और इतना सपोर्ट मिलता है. तो एज़ पर द टी वी या और कोई फिल्म जो कर रखी है मैंने, उससे कहीं ना कहीं आपको अपना फील होता है, अपना बना. और अगर देयर इज अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट वाइल शूटिंग, तो 110% वी फील के यार वी आर मेकिंग फैमिली, वी आर नॉट मेकिंग फिल्म्स. देखिए, बिग बॉस 12 की का तो पता नहीं, बट बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के साथ फिल्म कर रहा हूँ मैं, जिसके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ. सो 12 से कोई उम्मीद नहीं है, बट हाँ, शी माइट वॉच फॉर यू. आई डोंट वॉच बिग बॉस एट ऑल, आई एम सॉरी, बट मैं नहीं देखती. सबसे बड़ा शो है इंडियन टेलीविजन का, बट बहुत झगड़े करते हैं लोग. मुझे झगड़े देखना बिल्कुल पसंद नहीं है. सो सॉरी मैं. बट बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स. देखना ही नहीं पसंद, जाने का मौका लाइक बात ही नहीं होती. मैं बिग बॉस में नहीं रह गया, आप कंफ्यूज हो गए शायद. जुबैर खान को एक प्रोड्यूसर है, मैं जुबैर के खान माइट बी बिकॉज ऑफ दैट. बिग बॉस में ऐसे लोग आ गए जिनको याद ही नहीं है कौन है. फनी गाय और बहुत ही एक अलग करेक्टर है. जब भी आता है कॉमेडी करता है, एक फनी स्टाइल से बात करता है. मतलब एक्शन भी करेगा तो फनी स्टाइल होगा उसका. और इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू मुग्धा, तो मेरी गर्लफ्रेंड का, मैं उनके बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहा हूँ. जैसे आपने हमेशा आपका प्यार हमें दिया है, तो मेरी यही गुजारिश है आपसे, प्लीज़ इस फिल्म को देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है. मुग्धा जी ने बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं. झुलती है मेरा कैरेक्टर. सो आई प्लेड इट वेरी फाइनली. सो यू शुड गो एंड वॉच द फिल्म, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस. बहुत ही कंफर्टेबल फील किया और काफ़ी अच्छा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट. एंड इसमें बोल्ड सीन्स कुछ नहीं होता है. सीन्स पिक्चर की डिमांड होते हैं. जैसी पिक्चर की स्टोरी है उस तरह के से थोड़े से सीन्स होते हैं. और इतना कुछ ज़्यादा बोल्ड सीन्स नहीं है. फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है. आप लोग आराम से जाके फैमिली के साथ देख सकते हैं इस फिल्म.
सभी कास्ट एवरीबडी वाज वेरी नाइस और यादें वही छोटी छोटी थी. कई बार स्टंट्स बहुत सारी करने थे इस फिल्म में, तो स्टंट्स करते करते बहुत बार मुझे चोट लग जाती थी और कुछ फनी यादें थी. इट वाज वेरी गुड, ऑलवेज वेरी गुड. थैंक यू.